आज हम आपको सेकेंड पार्ट ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन बताने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट एड सम ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्सरसाइज 1.1 बताया है। अब यहाँ पर जैसे हम कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस बता रहे हैं, सो सी हियर आई टेक इट क्वेश्चन नंबर एट। पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर एट जैसा हमने बताया था, इसमें आपको सेट ढूंढना है और रिलेशन ढूंढना है कि क्या है आपको प्रूव करने हैं, ये देखना है। जैसे इस क्वेश्चन में आपका गिवन है क्वेश्चन नंबर एट इज हियर योर गिवन सेट 1, 2, 3, 4, 5, ये आपके एलिमेंट्स हैं और आपका इसमें रिलेशन इवन है कि ए बी सच दैट ए माइनस बी इवन। अब आपको ये रिलेशन है तो प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। और सेकंड चीज इसमें आपको ये बताना है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 एंड 2, 4 are related to each other, मतलब ये अपने से ही related है और ये भी अपने से ही related है। तो ये आपको relation में देखना पड़ेगा कि ये अपने से ही related है, ये आपको second में prove करना है। और साथ में ये भी बताना है आपको कि 1, 3, 5 is related to any element, no element of, मतलब 1, 3, 5 का कोई भी element 2, 4 से related नहीं। अब आप जानते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमको क्या प्रूव करना रहता है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव करना रहता है। तो आपको गिवन सेट है और गिवन रिलेशन है, सो फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर फर्स्ट वी हैव टेकन व्हाट इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रूल्स क्या है और क्या ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव रूल्स को फॉलो करता है या नहीं। यहां पर अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्सिव रूल वी नो दैट A R X X related to R, सेल्फ का रिलेशन यदि सेल्फ से हो तो आपका रिफ्लेक्सिव कहलाता है। यहाँ पर जैसे A एलिमेंट इस मामले हमने लिया जो सेट्स का कोई एलिमेंट है, then by definition of reflexive relation we put in the places of B A and we get A minus A equal to zero which is even because it is divided by 2, so we can say that reflexive relation is follow here, thus the relation on given set is reflexive. And second, symmetric relation. For symmetric relation, we know that if x, y related to R, then y and x should also be related to R for reflexive. यहाँ पर AB है, हमने ले लिया। If AB related to R, it means belongs to R, then BA should also be belongs to R, then it will be symmetric. So here, by definition, A minus B is even. Then taking negative as a common, B minus A, it means B minus A is also even. So R is symmetric. As we know that mod of minus x, mod of minus x is equal to mod of x. इसका हमने यूज किया। अब ये जैसे हमने रिफ्लेक्सिव बता दिया, रिलेशन गिवन सेट पर रिफ्लेक्सिव है। सेकंड हमने सिमेट्रिक बता दिया, अब थर्ड आपको ट्रांजिटिव बताना है। तो फॉर थर्ड रिलेशन ट्रांजिटिव लेट ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, देन ए बी बिलोंग्स टू आर, इट मींस एंड आल्सो सेकंड, इट मींस जैसे ए बी आपका रिलेटेड है आर से और बी सी रिलेटेड है आर से, अब हमको बताना होगा कि ए सी आल्सो रिलेटेड टू आर। सो फॉर दिस as given relation a minus b is even number and b minus c is also given, if we add b then we get a minus b plus b minus c is equal to a minus b plus b minus c, aapka b bhi cancel ho gaya and we get a minus c, it means ac is related to r, so it is transitive here, thus a minus c modulus is even and we can say that ac is related to r, so given relation is transitive and hence relation is an equivalence relation. ये first part आपका प्रूव हुआ। For second, अब आपको relation में भी ध्यान देना है कि relation कैसा है, कि difference of two sets is an even number, modulus of difference of two sets is even number. So see here, in first second part, 1, 3, 5, all elements are here, odd numbers. And also 2, 4, all elements of even. Here we see that 3 minus 1, 5 minus 1, 5 minus 3 and also 1 minus 3, 1 minus 5,
इनका जो मॉडुलस है वो आपका इवन नंबर है, और यहाँ पर 2, 4 इनमें भी जैसे 2 माइनस 4, 4 माइनस 2 ये आपका इवन नंबर है। बट इफ यू टेक वन एलिमेंट ऑफ दिस सेट एंड अनदर एलिमेंट ऑफ दिस सेट देन वी गेट 2 माइनस 1 आर 4 माइनस 1, 2 माइनस 3 आर 4 माइनस 3, 2 माइनस 5 आर 4 माइनस 5। It is not an even number, so we can say that all the elements of set A, it means first set, are related to each other, and all the elements of second set is also related to each other, but no element of these sets are related to each other. जैसा आप समझ गए रिलेशन के अकॉर्डिंग, तो ये सेकंड पार्ट हमारा प्रूफ होता है। यहाँ पर हमने एज एग्जाम्पल ले लिया कि 2 माइनस 1 है आपका, 2 माइनस 3 है या 2 माइनस 5 है, ये आपका जैसे क्या होगा 2 माइनस 5 जैसे हमने किया तो ये 3 हो गया, ये इट इज नॉट एन इवन नंबर। सो ये अपने में ही कनेक्टेड है और ये अपने में ही कनेक्टेड है, इसके एलिमेंट इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, ऐसा सेकंड में प्रूव करने के लिए हमको दिया गया था। सो विद द हेल्प ऑफ रिलेशन एंड अकॉर्डिंग टू दिस सेट वी राइट हियर, हेंस आवर सेकंड पार्ट इज आल्सो। अब जैसे आपको इस फर्स्ट एक्सरसाइज में इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है, तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट। नाउ वी एंटर इन योर सेकंड एक्सरसाइज, योर सेकंड एक्सरसाइज related to other some functions. So types of functions, see here. First, one function, R is a two function. ये आपके शब्द से ही स्टार्ट है कि one. जैसे आपका फंक्शन वगैरह में हम क्या करते हैं, यदि हम रिलेटेड करते हैं कि दो यंग सच दैट यंग स्टैंड्स टू वाई एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एक्स इज हियर डोमेन एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ वाई इज हियर रेन। यहां पर जैसे हमने लिया सपोज करिए ये ऑल एलिमेंट्स सिंगल सिंगल यदि आपका रिलेटेड है, इन एनी अदर एग्जांपल यू आल्सो टेक है द 5 6 7 व्हाट इज द रिलेशन एट हियर, डिफरेंस फंक्शन आपका क्या है, रिलेशन के अंदर डिफाइन रहता है। सो फॉर वन आर इंजेक्टिव वी कैन से दैट अ फंक्शन इज सच दैट x टेंड्स टू y इज सेड टू बी वन मार्क फंक्शन इफ f ऑफ x1 is f of x2 and after applying this relation we get x1 related to x2। ऐसे केस में आपका फंक्शन क्या कहलाता है, वन वन फंक्शन कहलाता है। मेनी वन फंक्शन में आपके इस शब्द से ही आपको ध्यान स्पष्ट है कि जैसे फर्स्ट वाले का मोर देन टू एलिमेंट्स इज रिलेटेड टू सेकंड एलिमेंट्स, अ फंक्शन जब सच दैट x टेंड्स टू y इज सेड टू बी मेनी वन फंक्शन इफ टू आर मोर देन टू एलिमेंट्स इन x है द सेम इमेज इन वाई। ये आपके क्या कहलाते हैं, इमेज, और ये आपके प्री इमेज कहलाते हैं। यदि इसके एक या एक से ज्यादा एलिमेंट इसके साथ रिलेटेड हैं, यानी दो एलिमेंट या दो से ज्यादा एलिमेंट इसके जो है आपका सेम इमेज रखते हैं, तो फंक्शन आपका मेनी वन फंक्शन के अंतर्गत आता है। अब फंक्शंस में जैसे आपका इन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 7 and 8 some definitions are also given here and with figure, I hope you will read it. See, as on to का मतलब जैसे आपका सर्वेंटी हो गया, अब कोई फंक्शन जैसे आप यह सर दैट यह सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई इज सेड टू बी ऑन टू इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई है इट्स प्री इमेज इन एक्स। यहां पर आपका क्या होगा कि रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल होते हैं। यदि आपके y का हर एक एलिमेंट x में प्री इमेज रखता है तो फंक्शन आपका सर्जेक्टिव आर आंटू कहलाता है। कुछ डेफिनेशन है इसकी देख लेना, जैसे आपको आप क्या करना है, आई एम गोइंग विद द हेल्प ऑफ दीज बेसिक कॉन्सेप्ट इन योर एक्सरसाइज 1.2 एंड इन 1.2 एक्सरसाइज सी एच योर क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 9 इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। लेट एस सच दैट n टेंड्स टू n ये आपका नेचुरल नंबर है, तो हमें रेंज भी आपका नेचुरल नंबर है, जैसे x टेंड्स टू y आपका इवन है, दोनों नेचुरल नंबर हैं,
और कैसा डिफाइंड है आपका, ऐसा डिफाइंड है आपका कि फंक्शन जो है n प्लस वन डिवाइडेड बाई टू इफ n इज r। यदि आपको ऑड नेचुरल नंबर लेना है तो ये डेफिनेशन फॉलो करना होगा, और यदि आप इवन नेचुरल नंबर ले रहे हैं तो n बाई टू आपको फॉलो करना है। अब क्वेश्चंस में आपको ये बताने हैं कि क्या फंक्शन बाइजेक्टिव है, जस्टिफाई योर आंसर। बाइजेक्टिव होने के लिए जैसा मैंने बताया कि वन वन और आर टू यदि है तो फंक्शन आपका क्या है, बाइजेक्टिव। बाय द डेफिनेशन ऑफ बाइजेक्टिव इफ योर फंक्शन इज वन वन एंड आर टू, ये तो दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है तो फंक्शन आपका बाइजेक्टिव होगा। यदि फॉलो नहीं हो रही है फंक्शन आपका बाइजेक्टिव नहीं होगा। सो फॉर दिस क्वेश्चन वी विल प्रूव विद द हेल्प ऑफ गिवन फंक्शन एंड डेफिनेशन इट शुड बी वन वन एंड आर टू। अब आपका जैसे फर्स्ट के लिए आप वन वन जैसे अपन देख रहे हैं तो फॉर वन वन हियर एन बिलोंग्स टू एन इट कैन बी ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ गिवन डेफिनेशन वी गेट वन इज द ऑड नंबर एंड टू इज द इवन नंबर एंड बोथ आर नेचुरल। इफ यू फॉलो योर फर्स्ट रूल इट मींस इफ यू पुट एन इक्वल टू वन देन वी गेट वन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू एंड फाइनली वी गेट द वैल्यू ऑफ एफ वन इज इक्वल टू वन एंड इफ यू पुट फॉर एन इक्वल टू टू देन टू इज इवन नंबर सो वी गेट एफ ऑफ टू इक्वल टू टू बाय टू इज इक्वल टू वन हेंस वी गेट एफ ऑफ वन इक्वल टू एफ ऑफ टू बट वन इज नॉट इक्वल टू टू। सो एंड यू नो दैट द डेफिनेशन ऑफ वन वन द गिवन फंक्शन इज नॉट वन, ये वन वन नहीं है। अब आपको बताने हैं कि आर टू की कंडीशन क्या है, जस्टिफाई करना है आपको। आर टू के लिए जैसे अब आप देखिए कि सेकंड वाले का हर एक एलिमेंट प्री इमेज रखना चाहिए पहले वाले के से। तो फर्स्ट केस में जैसे यदि हम ले लेते हैं कि यदि n आपका ऑड नंबर है तो देन वी नो दैट फॉर सब के बिलोंग्स टू n ऑड नंबर जैसे आपका 2n माइनस 1 से स्टार्ट होता है, यहां पर हमने k जो है एक अनदर नेचुरल नंबर यूज किया है तो देन वी नो दैट फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n जैसे n आप 1 रखेंगे 2 रखेंगे 3 रखेंगे या फिर इनफिनिट रखेंगे तो आपका 1 2 3 4 5 जैसे इसमें आप क्या पाते जाएंगे, यदि आपने 1 रखा तो 1 पाएंगे 2 रखेंगे तो 3 पाएंगे। यहां पर जैसे ऑड नंबर के अकॉर्डिंग हमने देखा कि 1 2 3 4 5 6 यदि n की वैल्यू आप रख रहे हैं तो 2n माइनस 1 में सभी टर्म आपके 1 3 5 7 9 माने आप टू इनफाइनाइट टर्म्स आपके ऑड नंबर होते हैं। तो हमने यहाँ पर कैसा डेफिनेशन फॉलो किया, यदि आपका कोई ऑड नंबर हमने लिया फॉर सम के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देन विद द हेल्प ऑफ दिस एज वी नो दैट 2n माइनस 1 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n इज द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर सो 2 इन ब्रैकेट 2k प्लस 1 माइनस 1 वी गेट 2 टू द 4k प्लस 2 इट मींस 4k प्लस 1 फॉर बिलोंग्स टू n। See, in your next step, as see here 4k plus 1 belongs to n such that f of 4k plus 1 with the help of definition as we are given 4k plus 1 plus 1 divided by 2 it is equal to 2k plus 1 or 2k plus 1 is type of odd natural number। यहाँ पर हमने बताया कि second function का इस case में first case में जैसे कि आपका ये आपको odd number मिल रहा है तो एवरी एलिमेंट ऑफ वन इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स इट मींस इट हैविंग इट्स प्री इमेज। सेकंड केस में यदि आप इवन नंबर ले रहे हैं सो इफ एन इक्वल टू 2 के फॉर सम के बिलोंग्स टू एन एंड वी नो दैट ऑल द 2n टाइप्स ऑफ नंबर इज नोन एज इवन नंबर इट मींस 2n तो 2 इनटू 2 के इट मींस 4k सो यहां आप 4k वी गेट 4k डिवाइडेड बाय 2 एज वी आर गिवन डेफिनेशंस फॉर इवन नंबर and finally we get 2k it means it is also a natural number so we can say that every element of y has its pre-image in x thus the given function is r2 in both cases दोनों केस में आपका ये फंक्शन आर टू है लेकिन वन वन नहीं है और बाइजेक्टिव के लिए वन वन और आर टू दोनों होना चाहिए। सो फाइनली वी डिसाइडेड दैट द फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव सिंस इट इज I do, but not alone.
हैंस जस्टिफाइड।